हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये स्पेशल वीडियो है, वो इसलिए कि इसके पहले हमने आपको बताया था कि यूपी टेट में जो है यूपी टेट के जो एग्ज़ाम्स हैं वो होने वाले हैं, कब होना है सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया था। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि जो जिन लोगों ने नए से डिलेट किया है क्या वो एलिजिबल है या नहीं इसके लिए। तो प्लीज़ आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो को ज़रूर वॉच करें, लास्ट तक देखें। उसमें बिल्कुल मैंने आंसर दिया, लेकिन तब भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं। आई होप कि इस वीडियो में ऐसे आप कमेंट्स ना पूछें कि नाइस वाले जो हैं जिन्होंने नए से डिलेट किया है क्या वो एलिजिबल है या नहीं है। आप वीडियो देखेंगे आपको आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए फिर इसमें हम आपको बताते हैं कि जो यूपी टेट के एग्ज़ाम्स होंगे उसमें जिन लोगों ने नाइस से डिलेट किया है, तो देखिए वो दो कैटेगरीज की हो जाती है। एक हो जाती है ट्वेल्थ प्लस डीएलएड, जिन लोगों ने ट्वेल्थ के बाद डीएलएड किया है, क्योंकि डीएलएड जनरली ट्वेल्थ के बाद होता है। लेकिन दूसरी कैटेगरी भी होती है ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड, क्योंकि यूपी की अगर हम बात करते हैं तो यूपी में जो डीएलएड होता है, जैसे पहले बीटीसी के नाम से जाना जाता था, वो ग्रेजुएशन के बाद होता था, ठीक है ना, अभी भी होता है, या फिर इंटरग्रेटेड कोर्स जो होता है वो होता है। तो यहाँ पे क्योंकि एनआईएस में जो डिलीट कराया है उसमें ट्वेल्थ के बाद भी रखा था, और देन क्योंकि ये अनट्रेंड टीचर के लिए था, और जो लोग पढ़ा रहे थे स्कूलों में जो अनट्रेंड थे, तो जिन्होंने ट्वेल्थ किया है वो भी डिलीट कर सकते हैं, जो ग्रेजुएशन जिन्होंने जिनका कंप्लीट हो गया है वो भी डिलीट कर सकते थे। तो ग्रेजुएशन वालों ने भी किया, ट्वेल्थ वालों ने भी किया। तो चलिए फिर हम चलते हैं पीडीएफ में, जाओ जो यूपी टेट का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, पूरी समरी जारी की गई, उसमें देखते हैं और हम आपको बताते हैं कि कौन जो है वन से फिफ्थ क्लास एंड सिक्स से एट क्लास के लिए एलिजिबल होगा ट्वेल्थ प्लस डीएलएड या फिर ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड। तो चलिए फिर देखते हैं वहां पे। लेकिन उसके पहले वीडियो के लिए आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिए, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं पात्रता पे। आप देख रहे हैं कि जो क्लास वन से फिफ्थ के लिए है तो उसकी क्या पात्रता होगी, यानी क्या अर्हता या एलिजिबिलिटी होगी। देखिए यहाँ पे फिर से मैं क्लियर कर देती हूँ, वन से फिफ्थ क्लास के लिए जितना भी ऊपर दिया गया है सब में आपसे ग्रेजुएशन ही मांगा गया है। तो यदि हम ग्रेजुएशन की यहाँ पे बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि स्नातक परीक्षा जो उत्तीर्ण हो चुके हैं और साथ ही साथ में एनसीटी से मान्यता प्राप्त दो वर्षीय डीलेट, ठीक है, या तो अंतिम वर्ष में हो या उत्तीर्ण हो चुके हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों ने एनआईएस से डीलेट किया है और ग्रेजुएशन के बाद जिन्होंने किया, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था और फिर उन्होंने डीलेट किया है, तो वो यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन एक बात और यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि क्या एनसीटी ने आपको अभी यानी एनआईएस डीलेट को मान्यता दे दी है, क्योंकि बीच में अभी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें चल रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी कि एनसीटी ने मान्यता देने से मना कर दिया। फिर बाद में न्यूज आई, मैंने भी आपको बताया कि एनसीटी जो है वो मान्यता दे दिया है, उसने कह दिया है कि जो जिन लोगों ने एनआईएस से डीलेट किया है तो उन लोग मान्य होंगे। तो यहाँ पर अगर लेटेस्ट न्यूज़ को देखा जाए तो यूपी में जो है यूपी टेट में वन से फिफ्थ क्लास में ग्रेजुएशन वाले जो है जिन्होंने डीलेट किया है वो एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन बशर्ते एनसीटी ने मान्यता दिया है कि नहीं। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि अभी ये बातें अगर मैं कह दूँ और आप फिर कहेंगे कि नहीं अभी उसने नहीं दिया है मान्यता, उसने मान्य नहीं किया है, तो फिर बात अच्छी नहीं लगेगी। तो यदि उसने मान्यता दे दी है एनसीटी ने, आप श्योर हैं, आपको पता है, तो 100% जिन लोगों ने ग्रेजुएशन के बाद डीलेट किया है, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। सभी जगह यही चीज आपका है, ग्रेजुएशन ही है। दूसरा जो वीडियो उसमें देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया था एलिजिबिलिटी, यदि आप देखना चाहते हैं तो। यदि हम थोड़ा सा नीचे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक जगह आपको इंटरमीडिएटेड यानी कि ट्वेल्थ क्लास मिलता है, वो भी है 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट एवं उसके समकक्ष चार वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक जो बीएलएड कहलाता है। तो जिन लोगों ने ट्वेल्थ के बाद एनआईएस से डिलीट किया है उनके लिए यहाँ पे कोई मौका नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद डिलीट किया है, लेकिन बशर्ते तभी उनको भी मिल सकता है जब आप बिल्कुल कन्फर्म हो कि एनसीटी ने एनआईएस डिलीट को मान्यता दे दी है। तो वन से फिफ्थ के लिए तो जिन लोगों ने ट्वेल्थ के बाद डिलीट किया है वो तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर मान्यता मिल भी जाती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं दिखाई गई है। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जिन लोगों ने किया है, मान्यता मिलने के बाद, वो इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब सिक्स से एट क्लास के लिए देख लेते, अपर के लिए देख लेते। यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी वही चीज़ है,
स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और मेन जो यहाँ पे अध्यापक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCET से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय डीएलएड। तो यहाँ पे भी वही चीज होगी कि यदि आप ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया था और आपने डीएलएड किया है NIS से और NCET ने अप्रूव कर दिया है, मान्यता दे दी है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। मुझे अभी इतना क्लियर नहीं है, मैं फिर से बोल दूँ कि NCET ने NIS डीएलएड को मान्यता दे दी है, बिल्कुल मैं श्योर होकर नहीं बोल सकती हूँ, आपको पता है, तो आप उसके लिए एलिजिबल है, यदि नहीं दी है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड वाले। यहाँ पे भी वही चीज है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंटरमीडिएट की, देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट में है 50% अंक होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज और दी है क्योंकि अपर क्लास के लिए है, तो यहाँ पे उन लोगों के लिए है जिन्होंने इंटरमीडिएट के बाद 12th के बाद 4 वर्षीय कोर्स किया, तो जिसे इंटरग्रेटेड कोर्स कहा जाता है, एकीकृत पाठ्यक्रम कहा जाता है, जिसमें ग्रेजुएशन भी होता है प्लस बीएड होता है, 1 ईयर का बीएड और 3 ईयर का जो होता है ग्रेजुएशन होता है आपका। तो जिन लोगों ने ये कोर्स किया है तो वो इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। ओके, यहाँ पर शिक्षा शास्त्र में जो बीएलएड है वो भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे 12th के बाद में। तो अगर हम यहाँ पर वही देखते हैं कि यदि हम NIS की बात करते हैं आप कहेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर जो अपर लेवल का 6-8 के लिए उसमें तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो रहे हैं 12th के बाद। ग्रेजुएशन के बाद आप फर्स्ट इसमें एलिजिबल हो सकते हो भी NCET की मान्यता के बाद। और इसी तरह से अगर हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे भी आपके साथ वही हो रहा है जो फर्स्ट में दिया हुआ है कि जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया है और साथ ही साथ में उन्होंने क्या किया है डीलेड किया है तो वो यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट वालों के लिए वही चीज़ रख दी गई है इंटरग्रेटेड कोर्स, यानी जिन लोगों ने वो 4 वर्षीय कोर्स किया है उन लोगों के लिए यहाँ पे है बीएड किया है। तो यहाँ पे कोई संशय नहीं है कि NIS डीएड यहाँ पे कहीं भी नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद डीएड आ रहा है। अगर NCET मान्यता दे देता है तो एलिजिबल हो जाएंगे और इसी तरह से अपर क्लास के लिए भी है। तो आई थिंक जो आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। NCET यदि मान्यता दे दिया है आपको पता है तो ग्रेजुएशन प्लस डीएड बिल्कुल मान्य है, आप फॉर्म भर दीजिएगा जब भरा जाएगा, लेकिन यहाँ पे 12th प्लस डीएड को कहीं भी जगह नहीं दी गई है। तो आपके पास रास्ता है वही बिहार सरकार की तरह कि आप भी कोर्ट जाइए और ये बात कोर्ट तक लेके जाइए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।